नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। खागा कोतवाली में के संपूर्ण समाधान दिवस खागा उपजिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्रीय लेखपालों कानूनगों सहित पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहे और खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी ने 11 आवेदन पत्रों में 2 का निस्तारण तुरंत कर शेष प्रार्थना पत्र संबंधित हल्का इंचार्ज को देकर जल्द निस्तारण करने कर रिपोर्ट मांगी और थाना दिवस संपन्न होने के बाद यातायात माह को लेकर हरदो और खागा पूर्वी बाईपास में चेकिंग अभियान चलाकर 82 हेलमेट और 3 सवारी पर चलान किया और बताते चले आप लोगों को कि शाम को अतिक्रमण करने वाले लोगों को भी समझाया कि अगर कोई रोड किनारे दुकान और वाहन लगाया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए आज सभी लोगों को बता दे रहे हैं और दूसरे दिन कोई रोड किनारे मिला तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसी बीच खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी संजय कुमार सिंह खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी के साथ पूरे पुलिस बल के साथ खागा नगर का पैदल मार्च किया। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। ना तो आपका हेलमेट है, ना आपके पास सीएल होगा, ना आपका आगे गाड़ी में नंबर सही पड़ा है, इससे मतलब नहीं है बेटा। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो ये थोड़ी ही गाड़ी देखेगी कि आप दूध लेके जा रहे हो। ये गुमटी के पास है, पर बुला देना। लगा दिया प्रधान ने 2 महीने में।